नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। नजीबाबाद कोतवाली रोड पर सत्य विहार कॉलोनी में विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी भयानक आग। मोहल्ले वालों में दहशत का माहौल हो गया, कहीं ट्रांसफार्मर ना फट जाए। लोग उससे दूर भागे और विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी। विद्युत विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुँचे। उन्होंने और मोहल्ले वालों से मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। लगभग एक घंटे तक ट्रांसफार्मर में आग जलती रही। लोग उसके पास जाने से डरते रहे। विद्युत कर्मियों ने जाकर और मोहल्ले वालों ने उस पर पानी फेंका, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया गया। सत्य विहार कॉलोनी में धू कर जला विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर। अब देखने की बात यह है कि ट्रांसफार्मर तो फूक गया, ये कब तक रखा जाता है? कब तक सत्य विहार कॉलोनी के निवासी अंधेरे में रहेंगे? जैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही विद्युत ट्रांसफार्मर में या और जगह भी आग की समस्या ज़्यादा होती जा रही है। आग लगती जा रही है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, मगर आग बुझाने तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। विद्युत कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं और जान जोखिम में डालकर उस पर पानी फेंक रहे हैं। नजीबाबाद के सत्य विहार कॉलोनी में लगी विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर में आग। मैं सत्येंद्र कुमार, सत्य विहार कॉलोनी निवासी। आज सुबह 12:40 पर लगभग हमारे घर के नज़दीक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसको समय रहते मोहल्ले वासियों एवं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पहुंचकर उस पर काबू पाया। चूँकि आग तेल में लग चुकी थी ट्रांसफार्मर के, तो कोई गंभीर हादसा भी हो सकता था। कॉलोनी वासियों ने काफ़ी मेहनत करके रेत और पानी का भी इस्तेमाल करते हुए उस पर काबू पाया।